और वो सवाल ये है कि आप विनायक होटल में ठहरी थी और वहाँ पर आपने आईडी के गुम हो जाने की बात कही थी, जैसा होटल के मालिक ने हमें अब जानकारी दी है। आप कह रही हैं कि आपके मन में कोई द्वेष नहीं था, यानी आपके मन में कोई चोरी नहीं थी, लेकिन फिर आपने वहाँ पर झूठ क्यों बोला? एक सवाल खड़ा होता है, ये झूठ क्यों बोला आपने? मैंने एक भी झूठ नहीं बोला, क्योंकि मुझसे पहले सचिन सुबह को पहुंच गए थे। तो सचिन ने सुबह से होटल में वो बातचीत कर ली थी, उन्होंने वो किसी से भी ना, उनको पता था इनका नाम सचिन है, उनको पता था कि इंडियन है, मेरे नाम पता था कि इंडियन है ना, उन्होंने मुझसे बात करी ना मुझसे पूछा, मुझसे फैमिली की तरह मेरे साथ रहे, हमने साथ में वक्त गुजारा, वीडियो बनाई, उन्होंने मुझे भाभी कह के बुलाया, कभी भी मुझे उन्होंने नहीं कहा कि तुम कहाँ से हो, कैसी हो, वो सचिन की पत्नी है। पर हमारी पड़ताल में, हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमारे रिपोर्टर ने जो जानकारी दी है न्यूज 18 को, वो यही जानकारी पहुंचाई है, और होटल मालिक ने भी बोला है कि पहचान छुपाई गई थी। अगर आप पाक साफ थी तो आपने पहचान क्यों छुपाई? सचिन ने भी पहचान छुपाई क्यों? मैंने पहचान छुपाई नहीं सर, नहीं, सचिन ने सचिन ही नाम बताया था, उन्होंने लिखा नहीं तो वो उनकी गलती है। सुबह सुबह पैसे मैं 500 हम देते थे हम दोनों साथ में। जी, आपकी उम्र को लेकर भी एक सवाल बार बार खड़ा होता है, कोई कहता है कि आप 21 साल की हैं, कोई कहता है आप 30 साल की, आपकी उम्र है कितने साल की? मैं 27 साल की हूँ सर, और मेरे पापा ने शुरू मेरा आधार कार्ड पापा के नाम से शनाख्ती कार्ड बना हुआ डॉक्यूमेंट्स में 21 साल क्यों कम करा, मेरी बड़ी बहन की भी कुछ कागजों में 21 साल क्यों, छोटी बहन की भी, वही तो बता रही हूँ। ये बात को बड़ा नहीं माना जाता पाकिस्तान में, तो लोग 8-8 साल की उम्र कम लिखवाते, यहाँ भी ऐसा होता होगा। इस उम्र को लेकर मेरे पापा ने बनवाया था कम एज थोड़ी लिखवाई, 6 साल मेरी कम या 5 साल कम लिखवाई गई थी। जी मैडम, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपने बार बार आप दावा कर रही है कि 10 से 17 मार्च के बीच आप नेपाल में आपने पशुपतिनाथ मंदिर में आपने विवाह अपना करा, शादी करी, लेकिन न्यूज 18 की टीम वहां पहुंची तो वहां पर आपकी एंट्री, आपके नाम की तो एंट्री नहीं है, आप तो मुस्लिम है, वहां पर मुस्लिम की शादी नहीं होती। एंट्री तो हमने कराई, तो मैं मुस्लिम हूँ, आपको पता थी, आपको पता है या किसी और को पता था, सचिन और मैं साथ में थे, मैं इनकी पत्नी थी, तो किसी को ये पता नहीं कि हमने वहाँ शादी करी या सिंदूर भरा, इन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया। हम मानती हूँ हमारा नाम रजिस्टर या कोई सब प्रूव नहीं है, पर मिल जाएगा। और रही बात शादी करने की, तो हमें कोई लंबी शादी नहीं थी, सिंपल सी थी, तो वहाँ पे किसी ने हमें मना भी नहीं करा था कि अब कह रहे यहाँ शादी नहीं होती, ये नहीं होता, किसी ने हमें कुछ भी नहीं कहा था। हम पूरा पशुपतिनाथ घूमे भी, उनकी छोटी छोटी चीज़ों की मैंने वीडियो बनाई, हाँ वो वीडियो नहीं है हम पे, कोई सबूत नहीं, रजिस्टर नहीं है हम पे, क्योंकि हमें इतनी वहाँ की मालूमात नहीं थी। वैसे आप इतने सारे वीडियो बनाती हैं, कई तरह के गाने गाती हैं, लेकिन आपने अपनी इतने इम्पोर्टेंट दिन का, शादी का, जिस प्यार का लिए आप कहते हैं कि आप फना होने को तैयार होगी, उस शादी का वीडियो नहीं बनाया आपने, क्या आपको लगता नहीं ये सवाल खड़े करता है कई सारे? उस शादी का वीडियो नहीं बनाया आपने? टिकटॉक में है, इंस्टाग्राम में नहीं है सर। अच्छा, टिकटॉक में तकरीबन मैंने 600 वीडियो बनाई होंगी। नहीं, वीडियो तो आपके कई सारे हैं। 600 मैंने वीडियो बनाई होंगी हमारी छोटी छोटी चीज की, अच्छी बुरी मोहब्बत की, वो इंस्टाग्राम की। नहीं, आजकल का तो दौर है छींक मारने का, भी लोग वीडियो बना लेते हैं।